क्या आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला के हर अक्षर में छिपी है एक दिलचस्प कहानी। चलिए कहां से ज्ञातक की इस मजेदार यात्रा में हम हर अक्षर को नए और रोमांचक अंदाज में सीखते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत मजेदार और यादगार। कासी कलम जो हमें नई नई बातें लिखना सिखाता है। आप कासी कौन सा शब्द जानते हैं? खासी खरगोश जो बहुत तेज दौड़ता है। चलो खासे एक और शब्द सोचते हैं। गासी गमला जिसमें फूल खिलते हैं। फूलों से कितनी सुंदरता होती है ना? घासे घोड़ा जो बहुत ताकतवर और तेज होता है। घासे आप क्या सोचते हैं? अंगा से शब्द ज्यादा नहीं बनते लेकिन इसका उपयोग होता है जब नाक से बोलते हैं। चासे चम्मच जो हमें खाना खाने में मदद करता है। चलिए चासे एक और शब्द ढूंढते हैं। छासे छतरी जो हमें बारिश में भीगने से बचाती है। छतरी के बिना बारिश में मजा नहीं आता। जासे जहाज जो पानी में दूर दूर तक सफर करता है। जासे कौन सा और शब्द आप जानते हैं? झासे झूला जो पार्क में सबसे मजेदार होता है। झूला झूलने में कितना मजा आता है। यहाँ से भी कुछ शब्द बनते हैं जैसे गिनती में, इसे हम जल्दी सीख लेंगे। तासे टमाटर जो सलाद का राजा है। टमाटर लाल लाल होता है, क्या आपको टमाटर पसंद है? ठासे ठेला जो सड़क पर सामान बेचता है। ठासे और क्या आता है? दासे डमरू जो भगवान शिव का प्रिय भाग है। इसका आवाज कितना मजेदार होता है। ढासे ढोल जो हर त्योहार में बजता है। क्या आपने कभी ढोल बजाया है? अड़ासे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे क्षमा गुड़, इसे बोलना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हम सीख जाएंगे। ढासे तरबूज जो गर्मियों की सबसे बड़ी ठंडक होती है। ढासे थर्मस जो गर्म और ठंडी चीजों को संभाल कर रखता है। ढासे दरवाजा जो हमें सुरक्षा देता है। ठासे धनुष जो रामायण की कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण है। नासे नाव जो हमें पानी में दूर दूर तक ले जाती है। पासे पंखा जो गर्मियों में ठंडक लाता है। पासे फल जो हमें सेहतमंद बनाता है। बासे बकरी जो खेतों में घास खाती है। भासे भालू जो जंगल में रहता है। मासे मछली जो पानी में तैरती है। यासे योग जो हमें सेहतमंद रखता है। रासे रेलगाड़ी जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। लासे लड्डू जो मिठाई का राजा है। बासे वृक्ष जो हमें छाया और फल देते हैं। सासे शेर जो जंगल का राजा है। सासे षटकोण जो छह भुजाओं वाला एक ज्यामितीय आकार होता है। सासे समुद्र जो बहुत गहरा और रहस्यमय होता है। सासे हाथी जो सबसे बड़ा और भारी जानवर है। सासे क्षत्रिय जो वीर योद्धा होते हैं। सासे त्रिशूल जो भगवान शिव का हथियार है। सासे ज्ञान जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों ये थी हिंदी वर्णमाला कासे ज्ञातक की यात्रा और हमने इसे कितने मजेदार तरीके से सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और मजेदार सीखने के तरीकों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।